उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज मुरादाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए सपा पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में सपा की सरकार में हुए पलायन पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने आज सपा का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा कि पलायन करने वालों का ही योगी सरकार में पलायन हो गया है। आजकल कुछ लोग अलादीनी चराग आए जिन जैसे निकलता है उसी तरह से निकल आए हैं। कुछ माफिया और अराजक तत्व कुछ पार्टियों में शामिल हो गए हैं क्योंकि इन पार्टियों ने अपराधियों को टिकट दिया है। वहीं जयंत चौधरी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा किसी को निमंत्रण नहीं देती है। दरअसल दिनेश शर्मा का आज मुरादाबाद में डोर टू डोर कैंपेन का भी कार्यक्रम है। दरवाजे बंद कर दिए हैं, हमको लगता है कि उनको चूक हो गई होगी। उन्होंने बीजेपी के लिए तो पावड़े बिछाकर खोल दिए। कल ही मैं गया था तो गांव में बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने आशीर्वाद दे रहे थे। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा अल्पसंख्यक तो भावविवल होकर रोने लगे थे। बोले पूरी जिंदगी बेटा मैंने बाहर निकल कर आया तो लोग उनको रोक रहे थे, रुके नहीं। और अतरौली की मैं बात बता रहा हूँ, निकल कर आकर मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि बेटा जिंदगी भर आप लोगों को वोट नहीं दिया, जबकि मैं अटल जी का भी फॉलोअर था और उनको बहुत मानता था, लेकिन जब वोट डालने गया तो आपको वोट नहीं दिया मैंने। मैंने कहा दादा कहना क्या चाहते हो? तो बोले ये जो मकान आप जिसके बाहर आप प्रचार करने आए हो ये योगी जी के द्वारा दिया गया है, ये प्रधानमंत्री आवास ये मोदी जी का है और मेरे हम लोगों ने सपना नहीं देखा था आज पक्के मकान में रह रहा हूँ। इस बार बेटा मेरा भी और मेरे बच्चों का भी सारा और जो लड़कों का है पोता पोती तक उनके काफी बुजुर्ग थे उनका पूरा परिवार हमारा बीजेपी को देगा। मैं खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ और फिर स्टिकर लेके अपने घर पे उन्होंने लगाया। सर जितनी भी उपलब्धियां आपने गिनाई यकीनन ये काम जो है विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर आपने इतना ही काम किया है तो मुजफ्फरनगर और कैराना में पलायन कर पलायन का पलायन कराने वाले उनका पलायन हो गया था। अब आजकल कुछ लोग अलादीनी चिराग की तरीके से जिन्न जैसे निकलता ना अलादीनी चिराग की तरीके से कुछ माफिया और कुछ अराजक तत्व कुछ राजनीतिक दलों के साथ में दिखने लगे। उसका कारण यह रहा कि कुछ लोगों ने कुछ विपक्षी दलों ने अपराधियों को टिकट दिया है, अपराध से संलिप्त लोगों के सहयोगियों को टिकट दिया है, अपराधियों के परिवार से संबंधित लोगों को टिकट दिया है। इसलिए पूरी होने दिया करिए, ऐसे नहीं बोलते बीच में। तो इनके कारण जो लोग निकले हैं उनसे गलत प्रभाव गया है। कोई भी राजनीतिक दल हो अपराध में संलिप्त व्यक्तियों से उसको बचना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन रुका है, पलायन कराने वालों का पलायन हुआ था, उनका पुनर्आगमन नहीं होना चाहिए। हमारा चुनाव के आएगा जाएगा लेकिन सारे लोगों का कर्तव्य है कि उस पर ध्यान दें। दिनेश जी लेकिन प्रियंका जो है और हुकुम सिंह मानते हैं कि पलायन मुद्दा नहीं है वहाँ पे, अभी मतलब रिसेंटली उन्होंने बोला कि पलायन मुद्दा नहीं है यहाँ, डेवलपमेंट का मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ ना कि पलायन अब पलायन को रोका ना बीजेपी ने पूछा जो पलायन था उसको रोका है, तो फिर आप लोग अब यह रोका है पलायन ना हो। ऐसे अराजक तत्व अगर फिर से आके दीवारों पर लिख देंगे कि ये मकान खाली है जैसा आप ही लोग लिखाते आप लोग दिखाते थे, वो घटनाएं अब ना हो। ये मैं कह रहा हूँ कि वो अगर घटनाओं का वातावरण लोग पैदा करेंगे वो उचित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं गाजियाबाद में, वो गली गली जाकर के कैंपेनिंग करने की बात कर रहा है, भाजपा को हम इससे पटकर नहीं देंगे। अब भाजपा को कौन पटकर नहीं देगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जनता पटकर नहीं देने वाली है 10 मार्च को, विपक्ष को ये पता है। सर जयंत चौधरी जी को आपने ऑफर किया है क्या? बीजेपी ऑफर किसी को नहीं करती, बीजेपी सामान्य एक नीति हमारी वो सबके लिए है। जो बीजेपी की नीति रीति सिद्धांतों पर जो विकास के कार्यों में अपनी सहभागिता पर जिसका स्वीकृति है और समाज में छवि अच्छी हो जिसकी भी और समाज में किसी प्रकार के आरोप ना हो उसको स्वागत बीजेपी में, उसके लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी कहता है और हम भी कह रहे हैं।